ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट राजस्थान हाई कोर्ट के 36वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। राज्यपाल कल्याण सिंह ने आज राजभवन में आयोजित भव्य समारोह में जस्टिस भट्ट को मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलवाई। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के साथ ही राजस्थान हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। शपथ ग्रहण के साथ मुख्य न्यायाधीश ने प्रदेश की जुडिशरी में बेहतर करने की बात कही। देश के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जजों को आरटीआई के दायरे में लाने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस एस रविंद्र भट्ट राजस्थान हाई कोर्ट के 36वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। राजभवन में आयोजित हुए समारोह में राज्यपाल कल्याण सिंह ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। मैं श्रीपति रविंद्र भट्ट, जो राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगा। इससे पूर्व मुख्य सचिव डीवी गुप्ता ने राष्ट्रपति भवन से जारी हुए नियुक्ति वारंट को पढ़कर सुनाया। शपथ ग्रहण समारोह के पश्चात राज्यपाल कल्याण सिंह और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें बधाई दी। समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करीब आधे घंटे से भी अधिक समय तक मौजूद रहे। समारोह के पश्चात मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्य न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट ने कहा कि वे फिलहाल तो राजस्थान की संस्कृति को समझने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश की जुडिशरी में बेहतर और राजस्थान हाईकोर्ट में आरटीआई को मजबूत करने की बात कही। मैं इस वक्त कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं तो पद अभी संभाला है, I've just taken over. It's a great state, largest state, और इसकी traditions मैं सीखना देखना चाहूँगा और जो भी सुधार करना है सबसे बड़ा मतलब कंसल्ट करके कर जो ज़रूरी है करेंगे, लेकिन इस परंपरा इनकी परंपराओं को और जो यहाँ की विविधता है उसको मैं नज़र में रखूंगा। न्यायिक प्रणाली है और इसमें बहुत चैलेंजेस हैं, सब समझना पड़ेगा। एरियर्स हैं, वैकेंसीज हैं। मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य रघु शर्मा, शांति धारीवाल मौजूद रहे। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर के न्यायाधीश, दिल्ली के हाईकोर्ट के मौजूदा 16 न्यायाधीश और 3 पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान और दिल्ली के न्यायिक अधिकारी, न्यायाधीश भट्ट के परिजन और रिश्तेदार भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। दिल्ली बार काउंसिल के चेयरमैन केसी मित्तल, दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार दिनेश शर्मा और नालसा के सदस्य सचिव डॉक्टर आलोक अग्रवाल भी खासतौर से समारोह में मौजूद रहे। हमें तो एक बात की थोड़ी तकलीफ भी है कि हम इतने अच्छे जज जो हमारे यहाँ हाईकोर्ट में, जिनसे बार में सारे एक से एक वकील सब खुश और उनको न्याय मिलता था, अब हमें जो है ना उनसे वहाँ से हम महरूम हो गए हैं। लेकिन खुशी इस बात की भी है कि चीफ जस्टिस बन के यहाँ आए हैं राजस्थान। ये समझ लीजिए कि आपको एक सोना मिला राजस्थान, एक अच्छी गिफ्ट दिल्ली ने आपको दी और इतने बेहतरीन साबित हो गई है कि मैं समझता हूँ कि पूरा न्याय राजस्थान की जनता को। मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेने के साथ ही जस्टिस एस रविंद्र भट्ट से राजस्थान हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति, पेंडेंसी और आरटीआई को सख्ती से लागू करने जैसे मामलों में उम्मीदें बढ़ गई हैं। सहयोगी काशीराम चौधरी के साथ निजाम कंटालिया, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।